शादी के 2 माह बाद ही पति एवं ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित करने का मामला भोपाल में सामने आया है। बता दें कि शादी के 2 माह बाद ही महिला के साथ मारपीट कर दहेज के लिए दबाव बनाने के चलते महिला द्वारा महिला थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए महिला थाना पुलिस द्वारा दहेज एवं मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। जिसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि साक्षी भारद्वाज 22 वर्ष शादी के 2 माह बाद ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर बार बार प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही पति द्वारा महिला के साथ मारपीट भी की जाने लगी, जिसे तंग आकर साक्षी ने महिला थाने में उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी द्वारा पति एवं सास के विरुद्ध मारपीट एवं दहेज को लेकर प्रचलित करने का मामला दर्ज किया गया है। साक्षी भारद्वाज की शिकायत पे उनके पति, सास और अभय भारद्वाज जो तेवर हैं, शायद या चीज हैं, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मामला ये था कि इनकी शादी 2023 में हुई थी और शादी के 2 महीने बाद ही इनके पति ने इनको साथ मारपीट किया था, पैसे वैसे की मांग की थी और उसके बाद से ही अपने मायके में रहे थे। फिर हमारे यहाँ ये मामला इनका काउंसलिंग में चला था, दोनों पक्षों को बुला के काउंसलिंग भी की गई थी। फिर शायद इनकी जो भी बात नहीं बनी है तो काउंसलर्स के लिखने पर FIR इशू कर। तो इसमें जो कायमी की गई है, इसमें किस प्रकार की प्रकरण दर्ज किए गए? इसमें 498/34 और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। जैसे कि इनमें बताया था, काउंसलिंग में भी बताया कि इनके पति द्वारा मारपीट की गई और सास द्वारा भी मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया, पैसे की मांग की गई थी, उसके आधार पर कार्रवाई की।